सो गाइज़ मेरे पास तुम हो का ये एपिसोड 21 है। बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये एपिसोड्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बट आज देखते हैं कि क्या होता है कि दानिश भाई के साथ सलमान और उनकी बीवी आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि महविश को माफ़ कर दो। ये बोलता है कि मैं माफ़ नहीं कर सकता। देखते हैं, बोले मैं जब भी माफ करना चाहता हूँ खुदा मेरे सामने आ जाते हैं, क्योंकि खुदा भी शिर्क माफ नहीं करते। एंड इस बात पे मतलब इतने मस्त डायलॉग्स हैं ये ड्रामे के कि आपको क्या बताएं। एंड अभी नेक्स्ट सीन देखना है कि नेक्स्ट सीन कैसा होगा। तो चलिए गाइस आज के वीडियो का आगाज करते हैं। ना करती तो 5-10 लाख कम कर देता। अगर आप देर कर देते तो मैं 10-15 लाख ज्यादा दे देती। थैंक यू। अच्छा वही घर खरीद लिया इसने। लगते लगते जी बिल्कुल लगते। ये लीजिए आपके पैसे। शुक्रिया। दरवाजा खोल दो मैडम। जी नहीं, सफाई हो गई? जी बिल्कुल हो गई। ठीक है आप जाओ। इसे हम स्कूल में दाखिल कराएंगे। मुस्टंडो की तरह सारा दिन कार्टून देखता रहता। बैड वर्ड पापा। अब देखो अंग्रेजी भी बोलता है। वेरी गुड पापा। हैव अ नाइस डे पापा। हेलो महविश। महविश डायरेक्ट। सुना फ्लैट खरीद लिया आपने? हाँ। और ये अख्तर अहमद कौन है? दानिश के अब्बा। चलिए चाय पिलाऊं आपको। नहीं नहीं शादी कर ली है मैंने, अब मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ रहने आऊंगी तब पीऊंगी चाय। दानिश भाई नहीं आएंगे? कैसे आएंगे, वो तो इतने बड़े बंगले में रहते हैं। उनसे सुलह हो गई आपकी? सुलह तो लड़ाई के बाद हुई थी मॉन्टी साहब, लड़ाई तो हुई नहीं उससे। हेलो। हाय। कभी सोचा है मेरी तुमसे लड़ाई हो सकती है? हंस क्यों रहे हो, जवाब दो ना। इस तरह के सवाल करोगी तो जवाब नहीं दूंगा। वो कहाँ है? अपने कमरे में। बोला था कि मेरे साथ चलो लेकिन वो डर गया है तुमसे। अरे वाह, मुझसे डर भी जाता है वो? तुमसे तो अब मुझे भी डर लगता है, तुम्हारी चुप से डर लगता है। लगता है किसी दिन गुस्से में आकर धुआं बनकर भग से उड़ जाओगे। शट अप, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा प्रॉमिस करो, अगर कुछ कहूंगी तो इसी तरह सुनकर मुस्कुराते रहोगे। मुस्कुराता रहूं? मैं महविश को हॉस्टल से अपने घर ले आई। ठीक से ख्याल रखना। कहाँ जा रहे हो? बाहर। डर रहा हूँ कि तुम दोनों बेवफाई को जस्टिफाई ना करने लगो। और याद रखना आयशा, बेवफाई को जस्टिफाई करने के लिए दलील मिल गई तो जानवर भी हम पर ऐसा करेंगे। मोहब्बत को किसी के फुटप्रिंट पर लिखकर म्यूजियम में रख देंगे और देखने वालों को बताया करेंगे कि लोग पहले इस तरह की बेवकूफी किया करते थे। बड़ी बेवफा हो तुम, मिस करते हो ना, बात करते हो।
मिस तो करता हूँ, बात नहीं करता। क्यों? ऐसे आपकी किसी से शादी हो जाएगी तो मिस करने का फायदा। अरे वाह, अब किससे शादी कराओगे मेरी? पापा से तो हो नहीं सकती, पहले चाहता था हो जाए, लेकिन अब चाहता हूँ आप उनसे दूर ही रहो। ए भाई, I'm so mean, है ना? Yeah. लेकिन मुझे इतने मीन होने पर गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मत करो, अब मैं दूर रहूंगी। खा लो प्लीज। टीचर, टीचर। ये भाई मेरी गुस्सा आके चली गई। क्या कहा उसने? कहा कि उसका ख्याल रखना और उठकर चला गया। कहाँ चला गया? कमरे से बाहर। बोला कि तुम दोनों से डर लगता है। डर लगता है मतलब? अच्छा, यू रिलैक्स, वो ठीक हो जाएगा। बताओ ना आयशा, वो डर क्यों गया? उसे लगा हम बेवफाई को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो वो ठीक तो कह रहा है, वो मेरी शक्ल देखना चाहता है ना मुझसे मिलना चाहता है। पता है, मेरा ख्याल था मैं नस काट लूंगी तो वो सुनकर अंदर से कहीं तड़प जाएगा। वो हॉस्पिटल आया तो मुझे लगा वो तड़प गया है, पर वो चला गया तो पता लगा मुझे तड़पाने आया था। तुम इस भरोसे पर मर ना जाना, आई डाउट वो तुम्हें देखने आएगा। Just sit and wait. मेरा दिल कहता है कि वो एक दिन मिलेगा तुमसे, और उस दिन वो तुम्हें छोड़कर जा नहीं पाएगा। देख लो, है मिला नहीं अभी तक, देखो इतना टाइम हो गया। इस तरह की बातें करनी है तो नहीं बैठ जाओ, मेरा दिल लगा रहेगा। यू नो, अब मैं भी लड़ना चाहती हूँ उससे, कन्विंस करना चाहती हूँ कि बेवफाई गुनाह ही सही, लेकिन तौबा भी कोई चीज होती है यार। आज मैंने वो फ्लैट खरीद लिया। कौन सा फ्लैट? जिसमें साथ रहा करते थे हम, शिवार के दिए हुए पैसों से। सोचा खरीद कर रख लेती हूँ, चाहे तो पैसे देकर अपने नाम कर ले। तुमने ये नहीं सोचा कि वो फ्लैट उसने खुद क्यों नहीं खरीदा? क्यों? बोला कि अब तो उस बिल्डिंग के पास भी नहीं गुजरता, फ्लैट के अंदर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। शिवार अहमद के पैरों के निशान है वहां, किसी बेवफा के साथ गुजरे हुए दिनों की बदबू आती है उस फ्लैट। मेरे साथ खेलते क्यों नहीं हो? ये क्या सवाल है? जब से रिच हो गए हो, बदल गए हो पापा। बिच्छल, मेरे टीचर से मिलते हो ना? डोंट हाइड, वी आर फ्रेंड। नो फ्रेंड, ना मैं मिलता हूँ ना मेरा कुछ चल रहा है। You know I'm proud of you, Papa. You are lying. Please don't. पता है क्यों? क्यों? उनके दिल में चल रहा है कुछ। तुम्हें याद है तुम्हारी उम्र क्या है? या। शर्म करो। तुम्हारे करने की बातें नहीं है। सुनो पापा। हाँ। मैं अपने पापा किसी को नहीं दे सकता। Don't worry. Your papa is only yours. वैसे अच्छा खेलते हो तुम, हरा दिया ना मुझे। You know why?
नहीं चाहते। डिनर पे मिलते हैं। कहता है फिर डिनर पे मिलते हैं। You know what? What? वो तुझसे झूठ बोल रहा है। Actually वो तुम्हें ये कह कर गया है कि तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा है। Come on यार। देख तू भी सिंपल हो जा। हानिया के पास जा और उसको बोल शादी करोगी मुझसे। Shut up। वरना फिर मेरे घर आ जा। समझ ट्रेन के सफर में वो कहीं की कहीं उतर गई। ट्रेन चली गई तो उसे लगा ये डेस्टिनेशन नहीं है। वो रोककर खड़ी वेट कर रही है। तो गलती माफ करके वापस आ जा। बोला पहले चाहता था हो जाए, अब चाहता हूँ पापा से दूर रहो आप। मीन है ना यार, इतना सा बच्चा और ऐसी ऐसी बातें फिर कहने लगा। बहुत हंस रही हो तुम, मुझे लग रहा है जी भर के रोने का नया तरीका है। खाना लग के आकर खा लो, तभी वहां से वैसे साल में भूख तो नहीं लगती। सुनो पकड़ती है। मैं हंस रही थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रो रही थी, लेकिन उसके लिए मैं रो भी सकती हूँ। और क्योंकि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती तो ये सच है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन उससे मोहब्बत हो भी सकती है। बस मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जिसने इतनी शिद्दत से पहली मोहब्बत की हो उस पे दूसरी मोहब्बत जायज होती है? और अगर जायज होती है तो उस मोहब्बत में किसी को देने के लिए बचता क्या है? आओ खाना खाएं, भूख लग रही है। आओ खाना। तुमने नहीं रोना अभी। डिवोर्स में क्या होता है मामा? मामा पापा की फ्रेंडशिप नहीं रहती, मामा छोड़ के चले जाती हैं, फिर क्या होता है? मत पूछना रोगी, तुम नहीं समझोगे। मैं तो समझो मामा, जब मामा छोड़ के चले जाए सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो रोगी। पापा भी यही कहते हैं कि अब मैं बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। अब तो उन्होंने जल्दी से बड़ा कर दिया मुझे। मामा प्लीज, अभी मैं बड़ा नहीं होना चाहता। अपने पापा से बात करवाओ मेरी। वो नहीं करेंगे ना अब। कहो तो सही, बोलो कि एक बार करें बात। आ गए। खाना नहीं खाओगे तुम? मैं मामा से बात कर रहा हूँ। सुनो पापा, मामा ने बात करनी है आपसे, रिक्वेस्ट कर रही हैं। ओए भाग्या, गुस्से से देख के चले गए। अच्छा अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। कैसे चला गया ना गुस्से से देख के सच में। सो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन ऑन मेरे पास तुम हो। बहुत बेहतरीन एपिसोड था। डायलॉग्स पे डायलॉग्स आ रहे हैं ड्रामे में। अभी आगे देखने क्या होता है यार, कब से वही चीज चल रही है। महविश को माफ कर दो, नहीं करो, या तो करो या तो नहीं करो, करो नहीं करो, करो नहीं करो, या तो किसी और से। हानिया कंफ्यूज हो रहे हैं हम, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग घूम रहा है, क्या करना चाहिए आप बताएं हमें थोड़ा सा। एंड देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट।